एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति दिखने लगी है। बीजेपी ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया तो इधर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर जनता को धन्यवाद दिया। क्या ये वोटर और कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है या सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस? ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के उत्सव के बाद जश्न की। राजधानी रायपुर के एकांत परिसर में बीजेपी ये जश्न मना रही है। मौका था पहले चरण की 20 सीटों पर हुई वोटिंग का। बस्तर और दुर्ग संभाग की कुछ सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी ने जश्न मनाकर ये बताने की कोशिश की कि उन्हें ही बड़ी जीत मिलने जा रही है। जोरदार आतिशबाजी के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसे ट्वीट किया और प्रदेश की 3 करोड़ जनता की जीत बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह भी दावा करते नजर आए कि 29 सीटों में से 15 से 18 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। इतना फीडबैक सिस्टम है और जो बेसिक सर्वे है वो बड़ा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को बेहद उत्साहजनक और बता रहे हैं। और बड़ा अनुमान जो लगाया जा रहा है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में 15 से 18 सीट पर बीजेपी की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है और परिवर्तन का जबरदस्त अंडर करेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी उत्साहित है। जिस अंदाज में पूर्व सीएम नजर आए उसी अंदाज में सीएम भूपेश ने भी ट्वीट किया और जीत के दावे किए। पहले चरण की 20 सीटों पर करीब 72% वोटिंग होने से बीजेपी को यकीन है कि चुनाव में उन्हें प्रचंड जीत मिलने जा रही है। और यकीन ना भी हो तो कम से कम जनता को यही बताना चाहती है। बीजेपी से प्रचंड जीत मिलने के दावे आए तो कांग्रेस ने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बीजेपी को असलियत पता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है क्योंकि असलियत तो देखो पता होती है इनको और इनको मालूम है इनकी असलियत। लेकिन ये दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि मीडिया में या लोगों को थोड़ा एक फॉल्स वो दिखाने का, जो कि बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का मार्का है। चाहे लोगों के बीच में जाएं झूठे सपने, लोगों के बीच में जाएं जुमलेबाजी, जुमलेबाजी पर आधारित है और वही लेकर ये चल रहे हैं और सोचते हैं कि बार बार लोगों को इस तरह की बात दिखाएंगे। लेकिन जैसा कहते हैं हमारे यहाँ देसी लोग हैं हम सब, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। जाहिर है दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती हैं, तो जनता को भी अगले चरण के लिए मैसेज दे रही हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो पहले चरण के नतीजे चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।